हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कल जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा, विभिन्न विद्वानों ने समाज की विभिन्न परिभाषाएं दी। विभिन्न विद्वानों ने समाज की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि पहला है ग्रीक के अनुसार। तो ग्रीक ने क्या नियम दिए हैं, परिभाषा दी है, तो ग्रीक के अनुसार है कि समाज एक बड़ा समूह है जिनका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। ये ग्रीक के अनुसार है कि समाज एक बड़ा समूह है जिनका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। ठीक है, कोई भी सदस्य होता है, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, कोई भी हो सकता है, और इसमें समय, स्थान और स्वार्थों से बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेसर जेम्स के अनुसार। तो प्रोफेसर जेम्स के अनुसार क्या है, तो मनुष्य के शांति पूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम ही समाज, मतलब प्रोफेसर जेम्स कहते हैं कि शांति से जहाँ लोग रहते हैं और संबंध उनका अच्छा है तो उसे ही समाज कहते हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक, शिक्षा क्या है, शिक्षा आखिर क्या है। तो शिक्षा सब संस्कृत के शिक्ष धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। जिसका अर्थ क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। आते हैं नीचे, व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञानियों, कौशल में विधि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और योग्य नागरिक बनाया जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान एवं कौशल में विधि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा की विशेषता क्या है, तो शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जन्म से सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान तक ही सीमित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।